दोस्तों, ड्रामा सीरियल बेटियां एपिसोड 40 में आप देखेंगे दानिश को एक्सीडेंट की वजह से सर पे चोट लगी और वो अभी तक होश में नहीं आया। फिजा बहुत परेशान है। वो तो पहले खुला लेने वाली थी, मगर अब उसे भी एहसास हो गया कि वो दानिश के बगैर नहीं रह सकती। लाइक साहब भी बेटी को दुखी देखकर परेशान हो गए। वो फिजा को तसल्ली देते हैं, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। फिजा दानिश की देखभाल के लिए वहां रुक जाती है, जबकि बाकी घर वाले घर वापस आ गए। लाइक साहब नमाज पढ़ने के बाद दानिश की सेहत याबी की दुआ करते हैं और फिर अपनी बेटी आयजा को बताते हैं। पहले मैं समझता था फिजा दानिश से मोहब्बत नहीं करती, मगर अब मुझे मालूम हो गया कि वो दानिश से कितनी मोहब्बत करती है। रात को हॉस्पिटल में जैसे ही फिजा ने दानिश की आवाज़ सुनी, फौरन उठ खड़ी हुई और दानिश को पानी पिलाना चाहा, लेकिन दानिश ना तो बात कर सकता है और ना ही ठीक से उठ सका। इधर नगमा बेगम इस मुश्किल में भी भतीजियों की क्लास लेना ना भूली। वो कमरे में गई तो हानिया का पासपोर्ट मिलता है और वो उसे उसके वालिद के सामने ही बेइज्जत करना शुरू कर देती हैं। बताओ, ये पासपोर्ट तुमने क्यों बनवाया? क्या तुम्हारे मुल्क छोड़ने के और भागने के इरादे हैं? नगमा बगैर सोचे समझे इल्जाम लगाने पे तुली रहती है। अब दानिश ठीक तो हो जाएगा, मगर शुरू शुरू में पैरालाइज होगा। ऐसे में फिजा ही उसकी खिदमत करेगी, भरपूर देखभाल करेगी और फिजा की वजह से ही दानिश मुकम्मल सेहत याब होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।